ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରଣ ଯୋଜନା ବଢ଼ିଲା ଦେଶର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରଣ କ୍ଷମତା। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ 2000 ଟନ୍ କ୍ଷମତାର ହେବ ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରଣ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ 2000 ଟନ୍ କ୍ଷମତାର ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରଣ କ୍ଷମତା 1450 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରେ ଆଉ 700 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ମେ ଯୋ ସବସେ ବଡେ ଉତ୍ପାଦକ ହେ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ ରେ ଉନମେ ସେ ଏକ ହେ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତର ପର ସବି ବଡେ ଉତ୍ପାଦକ ଚାହେ ଚାଇନା, USA, ବ୍ରାଜିଲ, ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ରଷିଆ, ଇନ ସବ କେ ପାସ ଅପନେ ଉତ୍ପାଦନ ସେ ଜ୍ୟାଦା ଭଣ୍ଡାରଣ କି କ୍ଷମତା ହେ। ଲେକିନ ଭାରତ ମେ ଜିତନୀ ପୈଦାବାର ହେ उसके मुकाबले केवल 47% की भंडारण की क्षमता है। अब हम सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर रे सब बड़ बड़ खाद्य उत्पादक देश जेभली चीन, अमेरिका, ब्राजिल, रूस, अर्जेंटीना भली देश रे सेमानकर वार्षिक उत्पादन ठारु अधिक संरक्षण क्षमता रही छि। ए योजना पई समवाय मंत्री को अध्यक्षता रे एक क्षमता संपन्न आंतर मंत्रणालय कमिटी गठन करा जिवो। ए योजना आरंभ करबा पई प्राय 1 लक्ष कोटी टंका खर्च हेबो। पायलट प्रोजेक्ट भाव प्रथम 10 जिले में यह योजना कार्यकारी हो। योजना अधीन आसंता 5 वर्ष मध्य खाद्य शस्यर भंडारण क्षमता 2150 लक्ष टन को वृद्धि होधीन प्रति ब्लक 2000 टन क्षमतार गोदाम निर्माण हो। संरक्षण सुविधा अभाव शस्य को क्षति रक्षा करने यह योजनार उद्देश्य बोली से कहते। वैल्युएबल फूड ग्रेन्स हैं वो नष्ट इसलिए भी हो जाते हैं कि भंडारण की क्षमता नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो जाते हैं, और किसानों को भी उचित दाम अगर लगता है कि 15 दिन बाद, महीने बाद मिल सकते हैं लेकिन भंडारण की क्षमता नहीं है तो उसको भी बेचना ही पड़ता था। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता में वृद्धि भी करेगा और खाद्यान्नों के आयात में कमी लाएगा, खाद्यान्न सुरक्षा हमारी और मजबूत होगी, सुनिश्चित करेगा। ये पैक्स को भी पब्लिक प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है इनको भी मजबूत करेगा। मे 31 तारीख रे बसीथिबा केंद्र मंत्रिमंडल बैठक रे खाद्य संरक्षण योजना को मंजूरी मिलिछि। ए योजना रे केंद्र सरकार 1 लक्ष कोटी टंका खर्च करबा को जाउछन्ती। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।